अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन मरियम और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि रिपीटेडली हमसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, अपनी क्यूरीज हमें भेजते रहते हैं, उसमें से हमने जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हमने वो क्वेश्चंस पिक किए हैं। सो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये आ रहा था, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ पूछी हुई है कि वे प्रोटीन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो वे प्रोटीन है बेसिकली वो आप अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये होता है कि अगर आप उसको नेचुरली कंजप्शन करते हैं, नेचुरली ऑर्गेनिक चीज़ों से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। बट स्टिल अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करें, ऐसा होता है कि जो 70 to 100 ग्राम्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। सो अगर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप उसको अपनी डेली कंजप्शन, जो डेली डाइटरी सोर्सेज से उसको कवर अप करेंगे तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ होगी। सेकेंड आपका जो क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसमें आपके लिए इस तरह से भी यूज़फुल होती है कि आपका जो आफ्टर प्रेगनेंसी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको कम करने में आपकी हेल्प आउट करता है, तो इसलिए हम सजेस्ट कर देते हैं कि ठीक है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगी कि अगर आप उसको ऑर्गेनिक सोर्सेज से कवर अप कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर जाएंगे तो वो उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि क्या वे प्रोटीन हलाल सर्टिफाइड है। तो येस, इट्स हलाल सर्टिफाइड, ये हलाल सर्टिफाइड है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आ रहा था कि क्या वे प्रोटीन से किडनी स्टोन्स हो रहे हैं। तो ये एक बहुत मिथ है जो कि अभी जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उसमें तो ये चीज़ नहीं प्रूवन हुई, बट इन पास्ट जो पिछली स्टडीज़ हैं उसमें ये चीज़ आ रही थी, बट जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली इट्स टोटली अ मिथ। अगर आप कोई भी चीज़ एक सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हैं तो इट्स नॉट बैड फॉर यू, आपके लिए ये चीज़ बुरी नहीं होगी। अगर आप एक्सेस किसी भी चीज़ का ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ बुरी ही होती है आपके लिए। एक्सेस आप किसी भी चीज़ का लें, जिस तरह से अगर आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक सफिशिएंट लेवल पर ले रहे हैं तो उससे आपको किडनी का कोई इशू नहीं होगा, बट ऑफकोर्स अगर आप उसको एक सफिशिएंट अमाउंट से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको किडनी स्टोन्स भी कॉज करेगा और किडनी रिलेटेड इश्यूज भी आपको आ सकते हैं उससे। सो इसी के साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि क्या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वी कैन यूज़ द सप्लीमेंट्स, क्या हम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ड्यूरिंग दैट सप्लीमेंट्स यूज़ करें, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे पास था कि क्या हम अलकार ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं। अलकार जो जीएन का सप्लीमेंट है, बेसिकली इट इज़ एल कार्निटीन, तो क्या वो हम यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ डे। तो बेसिकली जो अल कार्निटीन होता है वो आपका ये है कि अगर आप उसको लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो वो जल्दी से ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। सो अगर आप उसको जो आपकी एक रिकमेंडेड डोजेज है, अगर आप उसको एक टाइम पे लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप उसी डोजेज को डिवाइड करके इवन 3 times भी ले रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप उसको 3 times भी यूज़ कर लें। लेकिन जो आपकी रिकमेंडेड डोजेज है वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको रिकमेंड की गई है डोज, वो आप एक टाइम में ले रहे हैं या तो उसको डिवाइड करके आप 3 times में ले रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास वो था कि क्या लाइपोकर्ट और अलकार जो दो सप्लीमेंट्स हैं जिनेस्टिक न्यूट्रिशन के, वो हम साथ ले सकते हैं फॉर द वेट लॉस। यस ऑफ कोर्स यू कैन टेक दैट, आप उसको एक साथ ले सकते हैं, वो आपकी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प आउट करता है। बट अगेन कि आपने उसको लेने से पहले कंसल्ट करना है विद योर डॉक्टर और विद योर डाइटिशियन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आ रहा था काफ़ी ज़्यादा कि हम जब डाइटिंग पे जाते हैं तो हमारी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं एंड एट्सेट्रा, इस तरह से हमें काफ़ी स्किन रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसमें यूजुअली ये होता है कि जब आप किसी देखें, जो हम आपको डाइट प्लान देते हैं, जो भी अगर आपको एक किसी स्पेसिफिक आप किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान ले रहे हैं तो उसमें अगर आप थ्रू आउट वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको नहीं इशू होगा। बट अगर आप उस चीज़ को फॉलो प्रॉपरली नहीं कर रहे, आप अपना पानी का इनटेक प्रॉपर नहीं रख रहे, आप साथ अपने विटामिंस प्रॉपर नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली आप साथ एक्सरसाइज नहीं करें तो डेफिनेटली आपको जो स्किन के इश्यूज हैं वो आएंगे, रिंकल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली। या तो अगर आप ये एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप क्रैश डाइट पे चले जाते हैं बेसिकली, तो उसमें ये होता है कि आपकी स्किन पे भी रिंकल्स आने लगते हैं और इस तरह से इशूज़ होते हैं। बट अगर आप एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं और प्रॉपर अगर आप स्लोली स्लोली अपना वेट लॉस कर रहे हैं, एक प्रॉपर उस जर्नी पे हैं, तो फिर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी नहीं आएंगे। अगर आप प्रॉपर वाटर इनटेक, प्रॉपर सप्लीमेंट्स विद द प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो कोई भी ऐसा इशू आपको स्किन रिलेटेड नहीं आएगा। सो एक क्वेश्चन और जो आ रहा था हमारा वो ये आ रहा था कि हम जब डाइट पे स्विच करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो वो भी बेसिकली इसीलिए होता है कि जब आप एक डाइट थ्रू आउट द टाइम ले रहे होते हैं तो उसमें यह होता है
कि आप जब एक डाइट से दूसरी डाइट पे स्विच करते हैं तो आपका जो फाइबर का इंटेक होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम आपकी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, चाहे वो वेट लॉस के लिए है या किसी आपकी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है। बट स्टिल अगर आप उसमें अपना फाइबर इंटेक प्रॉपर रखेंगे तो आपको ये इशू भी नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर अपना पानी का इंटेक रखेंगे तो ये इशू भी आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या हम जब डाइट कर रहे हैं, हम एक डाइट ले रहे हैं, उसके साथ वाई सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी, सप्लीमेंट्स हम क्यों लेना हमारे साथ ज़रूरी है। तो सप्लीमेंट्स आपके लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि अगर आप एक डाइट ले रहे हैं, देखें अगर आप कोई भी डाइट ले रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आपको आपकी सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। इसलिए हम आपके जो मोस्टली जो आपके एसेंशियल विटामिंस हैं वो हम साथ ऐड कर देते हैं ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो भी पूरी होती रहे। सो इसलिए अगर आप एक प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि अगर पहली तो प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हम डाइट से अपनी हर चीज़ को, अपने हर न्यूट्रिएंट को पूरा करें। बट जब हम एक डाइटिंग के प्रोसीजर पे आते हैं, जैसे वेट लॉस, वेट गेन फॉर डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस, तो उसमें ये होता है कि हम कुछ डाइट को, कुछ फूड सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उसके लिए फिर सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी। सो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि क्या सप्लीमेंट्स जो बिगनर्स हैं जो जिम जाते हैं क्या वो यूज़ कर सकते हैं? येस ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दैट सप्लीमेंट्स। अगर आप लाइक 18 अबव हैं तो आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको, यू कैन यूज़ दैट। सो इसी तरह से अगर आप लोगों की भी कोई क्यूरीज हैं रिलेटेड टू योर डाइट, रिलेटेड टू एनी सप्लीमेंट, तो आप हमसे इसी तरह से हमारी टीम के साथ अपने क्वेश्चंस शेयर करें, और इसी तरह से हम आपके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ इसी तरह से आपके जो पूछे गए हुए क्वेश्चंस होंगे, आपकी क्यूरीज होंगी, वो डिस्कस करेंगे और आपको उनका जवाब देंगे। थैंक यू।